सुबह का डिवीजन एक्स अपडेट्स एंड भैया आज वाली वीडियो में भी बहुत सारी न्यूज़ होने वाली है। ये वीडियो बेसिकली वैसे कल आनी थी बट आप सभी को पता है कि कल भैया एकदम से ही BGIS की जो ओवरऑल स्टैंडिंग्स थी वो एकदम से डिफरेंट हो गई। सो मेरे को मतलब वीडियो कैंसिल करनी पड़ गई कल रात को जो आने वाली थी। बट स्टिल इस वाली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि भैया लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज़ हो। सो यार एक चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, 46.7 के सब्सक्राइबर्स के दूर हम सिर्फ 80 सब्सक्राइबर्स चाहिए भाई, 80 सब्सक्राइबर्स चाहिए सिर्फ। सो वो करवा सकते हो तो भैया करवा देना, हमारा आज का गोल है। सो अब बात कर लेते हैं हमारी फर्स्ट न्यूज़ को लेकर। सो हमारी फर्स्ट न्यूज़ आ रही है भैया 8-bit तक को लेकर के। सो आप सभी को पता होगा जो कल सोल क्वालिफाई नहीं हुई थी एंड जो एंड वाला मैच था, जो सबसे लास्ट वाला मैच था, उसमें मतलब वाइपर गाड़ी में बैठे रह गए थे एंड फिर वो मतलब वहाँ से मर जाते हैं। सो इस चीज़ को लेकर के वाइपर को ज़्यादा ही हेट मिल रहा था भाई, मेरे कमेंट सेक्शन में खुद हेट वगैरह ज़्यादा मिल रहा था और मैंने तो उल्टा कहा भी था भैया अपनी उस वाली वीडियो में कि किसी को भी हेट मत देना। बट स्टिल मेरे कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे लोग वाइपर को हेट दे रहे थे एंड कुछ कुछ लोग रॉक्स को हेट दे रहे थे। मतलब ऐसी मतलब वाइपर को सबसे ज़्यादा हेट मिल रहा था अमंग ऑल द सोल प्लेयर्स। तो इस चीज को लेकर के भैया 8-bit थक ने थोड़ा सा अपना गुस्से वाला रिप्लाई दिया है। सो वो जो 8-bit थक ने वाइपर के ऊपर कहा है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। स्ट्रीम करने विल वाइपर कंटिन्यू 100% 500%। वाइपर क्यों कंटिन्यू नहीं करेगा गाइस? कौन सा गेम वाइपर ने खराब खेला यार? इसके लिए तो मैं लड़ लूंगा किसी से भी। वाइपर के पीछे क्यों पड़ते हो भाई? ये क्या बात हुआ? एक ही बंदा मेहनत करे और उसी के क्यों वाइपर के पीछे आप लोगों को पड़ना है भाई? इट्स क्या बात कर रहे हो? मतलब व्हाट व्हाई? लास्ट गेम क्या चार लोग से घिरा हुआ अकेला बंदा वो फाइट करेगा? स्मोक था पीछे, पीछे बैठ के वो गाड़ी में बैठना ही बनता है। ए बे सब एक लास्ट गेम ठीक है, वहां पे उन्होंने सेनॉक में अच्छा से किल निकाल लिया था, सॉफ्ट टारगेट है वो। बाकी को बोलने में आप लोग की गांड फटती है, सीधी बात है। वाइपर झाट का वाइपर जाके मेहनत देखो भाई, कोई बात नहीं, दो टूर्नामेंट और आ रहेंगे, इमोशन की बात नहीं है। जब वो खराब खेल रहा था बेंच भी था, फालतू बात हट। एंड जब सिड कल अपने चैनल पर लाइव वगैरह आए थे तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि भैया रॉक्स थे जो, वाइपर थे जो, एंड जो युवा थे वो ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग वगैरह थे एंड जो अभी सोल की लाइनअप है वो उसमें बहुत ज़्यादा तगड़े चेंजेस होने वाले हैं एंड वो अभी से ही ज़्यादा तैयारी करना चालू कर चुके हैं, ये सिड ने बताया था। सो उसमें से छोटी सी क्लिप आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। I don't think lineup changes are needed. I definitely think lineup changes are needed, for sure. Lineup changes are needed. We have to like, we gave it time, but there are some very definite flaws in the team that I don't think can be fixed. So at that point, instead of trying to fix a problem that is going to take a very long time to fix, we should rather just switch out the problem. And that's how we go forward. Will there be any lineup changes? Yes. For sure there will be some lineup changes. Expectations is to make a roster that is more aggressive, that has a clear game plan. I mean, I have already spoken about the teams that are playing obviously extremely well. I want a team that plays like that, is not just focusing on placement but also focusing on kills and can easily win 4v4s or have immense gun power. That is the एंड बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ को लेकर के जो कि अरे भैया वाइपर को लेकर के। सो देखो भैया वाइपर अभी लोगों पे लाइव आ रखे हैं। सो वहाँ पे वाइपर ने ये वाली चीज़ पे रिप्लाई दिया था कि सोल क्वालिफाई नहीं हुई एंड आप सभी को पता है जो लास्ट वाला मैच था जिसमें मतलब वाइपर गाड़ी में बैठे रह गए थे उस चीज़ की वजह से वाइपर को हेट मिल रहा था, उस चीज़ पर भी थोड़ा सा वाइपर ने रिप्लाई दिया था। सो वाइपर की वो वाली क्लिप भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। लास्ट मैच से स्टार्ट करो बताना, लास्ट मैच का ना। हाँ एक चीज बहुत जो लोगों को कंफ्यूजन था मैं वो क्लियर कर देता हूँ। लास्ट मैच में क्या हुआ, गाड़ी में क्यों बैठा, क्या सीन था भाई? वहाँ पे स्मोक ग्लिच था, पूरा एरिया स्मोक था, जो कास्टर लोग को नहीं दिखा, जो स्क्रीन पे तुम लोग को नहीं दिखा, वो पूरा एरिया स्मोक था उसका। चलो मैं तुम लोग को शायद POV होगा कि नहीं देखते, एक बार रुक जाओ, उसका POV बताता क्या सीन था उस मैच में। दिक्कत हुआ कि वो लेफ्ट में ऊपर जो रुके थे वो पूरा अलग स्क्वाड था, हम लोगों को लगा FPS का एक बंदा ऑलरेडी शुरुआत में डेड था, तो इधर BT हो गया कि ये लोगों को लगा कि भाई वो FPS के ही बंदे, पर वो पूरा चार का अलग स्क्वाड निकला, दिक्कत हो गया, तो ये लोग उनके थोड़ा मुंह पे चले गए ऊपर। अब यहाँ पे लेफ्ट में भी ऊपर बंदे, इधर वो शैक की तरफ अलग रुके थे, इधर गाड़ियां रुकी है, राइट से अलग, राइट से पूरा ओपन था, स्मोक किया पीछे देखा ये इधर से पूरा ओपन है, हम बोला भाई थोड़ा सा बैठने लायक इधर जगह है नहीं, थोड़ा स्मोक करके पहले थोड़ा होल्ड करवा लो, क्योंकि जोन वैसे स्पीड स्लो है पर जोन का एरिया पकड़ लिया हम लोग। तो फिर इधर आगे हुआ ये, इसके डब्बे से M4 उठाई, तब तक इन पे पूरा नेड़ का बारिश हो रहा है, ठीक है, स्मोक उठाया, ये पूरा एरिया स्मोक है, इधर निकल जाओ गाइस, पूछ रहा है इधर को मार दे,
और चार बंदे का पुश आ गया। अब तो ये हुआ कि उधर भी पूरा इनपे नेड का बूम बम हुआ, एक ये मॉली से नॉक हो गया, युवा पे चार बंदे चढ़ गए, राइट में वीरू भी नॉक हो गया, ये बंदा एक एचपी छोड़ दिया इसको, वहाँ गाड़ी के अंदर बैठ गया, ये रैंडम शॉट्स आ रहा था। ए बे यार इसको भी अगर कल अच्छे से BGIS के मैचेस देखे है तो आप सभी को पता होगा उसमें एक टीम थी भैया आर ई स्पोर्ट्स, एंड मतलब आर ई स्पोर्ट्स ही वो टीम थी मतलब जो 7th पोजीशन में थी, एंड मतलब जो सोल थी वो 6th पोजीशन में थी, एंड जो टॉप 6 टीम्स थी मतलब वही क्वालिफाई होनी थी, बट एट द एंड ऑफ द मैच हुआ गया कि जो सोल थी वो 6th पोजीशन में थी एंड आर ई स्पोर्ट्स 7th में थी, तो जो आर ई स्पोर्ट्स है उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया एंड वो लोग 6th पोजीशन में आ गए, एंड उनकी वजह से जो सोल थी वो ड्रॉप करके 7th पोजीशन में हो गई, एंड इसीलिए सोल क्वालिफाई नहीं कर पाई थी कल, क्योंकि आर ई स्पोर्ट्स ने अच्छे से मतलब परफॉर्म कर लिया था एट द एंड ऑफ द जो इरांगल वाला मैच हुआ था। सो ये जो सब चीज़ें हुई थी इस चीज़ को लेकर के जो आर ई स्पोर्ट्स के प्लेयर थे वो अपने मतलब इंस्टाग्राम पर लाइव वगैरह आए थे एंड वहाँ पे पूरी बातचीत करी थी कि ये देखो भैया हम क्वालिफाई वगैरह हो गए, एंड वहाँ पे थोड़े स्पेसिफिक पार्ट में वो सोल को टारगेट भी कर रहे थे कि लाइक अभी सोल परफॉर्म करेगी लाइक 2040 में करेगी, ऐसा ऐसा उनके प्लेयर्स ने कहा है। सो उसमें से जो छोटी इंस्टाग्राम की क्लिप है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, एंड ये जितनी भी क्लिप्स है मेरे को हाइड्रोलिक भाई ने भेजी है, सो उनके चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, उनके चैनल का लिंक पिन कमेंट में भी होगा। सो यार मैंने परमिशन लेके वो क्लिप ली है हाइड्रोलिक भाई से, सो हाँ भाई उनका जो चैनल है वो एक बार चेकआउट कर लेना जरूर से, एंड वो वाली क्लिप आपकी स्क्रीन पर ये रही। फोन कर रहे हैं, मोटल का फोन आया। हाँ मोटल क्या मोटल, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे टीम में। सोल को क्यों लटका दिया भाई? ओके सोल को गलत लटका दिया यार, इसीलिए आ रहा है। सोल वाले हेड दे रहे हैं क्या जादू? अरे हाँ सोल वालों का मैसेज नहीं आया क्या? सोल फैंस का आए ना डीएम में? अच्छा देखा नहीं अभी तक, बहुत आएंगे। ओले बुला रहा मोड कैंप पे खेलने के लिए, ढोल को नीचे कर दिया। अरे नहीं यार वो नई न्यू टीम है, क्या बोल रहा है, न्यू टीम है, देयर कोऑर्डिनेशन लैग ब्रो, दैट्स व्हाई दे डिडंट मेक इट क्वालीफाई ब्रो। मत कर जादू, एनी तमिल फैन माय एनी तमिल फैन पर रिक्वेस्ट भेजो मेरा, बोला तो सोल है रोक लोगे क्वालीफाई, अच्छा कर लोगे क्वालीफाई। अरे सोल विल राइज अगेन ब्रो, दे डिडंट मेक इट क्वालीफाई बिकॉज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन युवा एंड रॉक्स ब्रो, बिकॉज युवा इज फ्रॉम तमिल ब्रो एंड रॉक्स फ्रॉम दिल्ली ब्रो। इतना ट्रोल मत कर भाई, देख लिया तो अब मत कर। कोई तमिल वाला आ गया क्या वापस भाई? सोल का क्या हो गया भाई, ये तो पानी में मर गया सोल, ऊपर ही सोल को भी टाइम, रॉक्स ने बोला तो अभी टाइम लगेगा। अरे उनको भी टाइम लग चल रहे हैं, होटल बोला हम कर लेंगे, हमने कोच लगाया पीछे 2000 कोच, तो उनको लगेंगे अभी, अमन को लगाया। अरे उनको लगेंगे 2040 में परफॉर्म करेंगे वो, पर करेंगे जरूर ये पक्का है। भाई मेरे तो इधर टैटू है भाई सोल का, ये चाइनीज में भी लिखा है, देखो तुम्हें समझ नहीं आएगा लग बात है, ये सोल ही लिखा हुआ मैंने। आई नो कांड वोटिंग सिस्टम करके सोल को वापस बुला लो, अच्छा यही करके तो वापस आएगी, फैन फेवरेट तो जीत जाएगी भाई। हां इसमें सोल ना इंटरनेशनल टीम है यार, वो इधर इंडिया के लेवल पे नहीं खेलते वो, इसीलिए वो इधर क्वालिफाई नहीं हो पाते। सोल का जीते है ना कोच यार, कोई हीरो। हां भाई क्वालिफाई नहीं हो पाते सोल, जब सोल पीएमआई पीएमसी जीती थी तब तुम लोग कहाँ थे ब्रो,
क्वालिफाई हुए तो कॉन्ग्रेट्स फॉर इट, डजंट मीन हेट दोगे, सॉरी भाई, आई एम रियली सॉरी। मेरे ख्याल से तो यार वो फन ट्रोलिंग ही कर रहे थे, बट आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ के बारे में भाई, मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में। वैसे भाई वो जो टाइम था वो ज़्यादा ट्रोलिंग करने वाला तो था नहीं, क्योंकि भाई सभी मतलब सैड टाइप से हो रखे थे। लाइक कोई भी बंदा आप ले लो भाई, अभी सेठ भाई ने अपने लाइव स्ट्रीम में भी बताया था कि रॉक्स रो रहे थे, वीरू रो रहे थे, एंड जो युवा थे वो भी रो रहे थे, एंड ऐसा कुछ बताया था सेठ भाई ने। सो ऐसे लो टाइम में आप अगर ऐसे फनी ट्रोलिंग करोगे सो वो थोड़ा इनअप्रोप्रिएट हो जाता है। सो ये सब चीज़ थी। एंड अब बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट चीज़ को लेकर, जो कह भैया क्लच गॉड को लेकर के। सो कल क्या था, क्लच गॉड ने अपना थोड़ा सा ओपिनियन दिया था कि कौन कौन जाता है T1 टीम्स में, एंड उनकी जो स्टेटमेंट थी वो उन्होंने दी थी अपने मतलब स्ट्रीम वगैरह पे। बट फिर उसके बाद स्काउट ने स्टोरी डाल दी कि भैया वेलकम टू T1। वैसे वो जो स्टोरी थी जो स्काउट ने डाली थी वेलकम टू T1 वाली, वो क्लच गॉड से रिलेटेड नहीं थी, बट स्टिल जो क्लच गॉड को बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि भैया स्काउट तुम्हारे स्टेटमेंट से ट्रिगर हो गए एंड उन्होंने तुम्हारे अगेंस्ट में स्टोरी डाल दी। तो इस चीज़ पे मतलब क्लच गॉड ने क्या रिएक्ट किया था, एंड जो क्लच गॉड ने सबसे पहले क्या बोला T1 टीम्स को लेकर के, वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होप करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है सो एक लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, एंड हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक ले, पीस आउट एंड साइनिंग आउट।